हेलो, स्क्रीन विजिबल है आपको? ये सब विजिबल है। यस आई एम विजिबल। गुड ओके इवनिंग ठीक सर। है, ओके गुड इवनिंग। ठीक है, इस प्रोग्राम के साथ आप काफ़ी फैमिलियर हैं, इसको मैं हर बार बताता हूँ। ठीक है, एडिशन ऑफ टू यस सर, नंबर का यस सर। प्रोग्राम है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पर, ठीक है, जैसे वेरिएबल लिए, ठीक है, ए लिया, ठीक है, ए बी एंड सी लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल लिए। ठीक है, सपोज ये, ठीक है, हमको थ्री वैल्यूज को स्टोर करना था, हमने थ्री वेरिएबल ले लिए। हमको यदि फाइव वैल्यूज को स्टोर करना है तो हम फाइव वेरिएबल को ले लेंगे, और टेन को करना है तो टेन वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, और यस यदि आप सर। बताएंगे, यदि हमको 50 नंबर्स का सम करना है, ठीक है, या 50 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो क्या हम सेम प्रोसीजर करेंगे? ये देखो सर वेरी करना, डिफिकल्ट होगा ये तो, या कर भी बहुत ले तो डिफिकल्ट, बहुत बहुत डिफिकल्ट हो लेंदी जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत हमने मान लेंदी के चलो प्रोसेस है। 50 वेरिएबल भी कर लिए। ठीक है, तो लेंदी भी हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो यदि फिर हम यस 100 और 1000 की बात करें, ठीक है, सर, यस तो तब तो काफी लेंदी हो जाएगा। ठीक है, यस सर। लेंथी हो जाएगा, प्रोसेस करना ही मुश्किल हो जाएगा, आप खुद भूल जाओगे कि हाँ, ठीक है, कौन से वेरिएबल हम डिक्लेयर करें, क्या क्या उनके नाम लें। ठीक है, काफी सारे मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए जावा में एक कंसेप्ट आया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि इन वेरिएबल का यूज ना करके हम किसी सीक्वेंस का यूज करते हैं। सीक्वेंस क्या करता है, बहुत सारे मतलब वैल्यूज को एक साथ स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो जावा में कंसेप्ट आता है अरे। ठीक है, अब मैं स्क्रीन को स्विच कर रहा अरे हूँ। ठीक है, तो जावा में कंसेप्ट आया अरे। ठीक है, तो अरे एक्चुअली होता क्या है, ये क्या होता है, इट इज ऑर्डर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। तो क्या होता है, एक तो के ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब इसमें क्या होता है कि वन बाय वन, एक के बाद क्या है, इसमें वन बाय वन, एक के बाद एक एलिमेंट स्टोर होते हैं। और एक क्या होता है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स होता है सेम टाइप, यहाँ लिखा भी मैंने, होमोजीनियस एलिमेंट मीन्स एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप मीन्स क्या होता है, यदि हम इसमें नंबर स्टोर कर रहे हैं तो ये नंबर का ही स्टोर होगा। ठीक है, इसमें नंबर ही स्टोर होंगे, कोई कैरेक्टर स्टोर नहीं होगा। और यदि हम इसमें कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो ये कंटिन्यूअसली कैरेक्टर ही स्टोर करेगा, नंबर स्टोर नहीं करेगा। कलेक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट होता है। सिक्वेंस मीन्स होता है वन बाय वन होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एरे। और आपको दिखा दें, ठीक है, एरे में क्या होता है, मेन मेमोरी में होता क्या है, सीक्वेंस में एलिमेंट जाके स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है कि हम इसमें सिंगल वैल्यू, इसमें सिंगल वैल्यू लेते हैं, सपोज क्या है, एक्स लेते हैं। ठीक है, एक्स, और हम क्या लेते हैं, स्क्वायर ब्रेसेस लेते हैं, और स्क्वायर ब्रेसेस में हम क्या है, सबस्क्रिप्ट को चेंज करते जाते हैं। ये जो जीरो है ये वन है, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, या बोलते हैं इंडेक्स, बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स वैल्यू, उसका हम प्रोग्राम ही बताएंगे आपको बाद में। ठीक है, हम इंडेक्स वैल्यू को चेंज करते जाते हैं तो हमारे वेरी मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, तो इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, सिंगल नेम लेते हैं, सिंगल नेम कोई भी, एक्स हमने लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, मैंने नेम कन्वेंशन आपको बताया है। ठीक है, जो रूल बताया है ना, नेम कन्वेंशन, आप इसके अकॉर्डिंग कोई भी नेम ले सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रेसेस लेते हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू लेते हैं। ठीक है, पानी डाल। और इसमें एक चीज और है, ये माइक किसका ऑन है? ठीक है, हाँ, इसमें हम क्या है, सबस्क्रिप्ट वैल्यू लेते हैं, और सबस्क्रिप्ट वैल्यू ऑलवेज क्या है, जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से स्टार्ट होता है मींस क्या है, इसमें ना इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, मींस यदि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट यहाँ पर टेन है, तो उसकी जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, आपकी जीरो रहेगी, जीरो। और ये मैंने दिखाया है, सपोज हमारी कोई रैम है, रैम है, ठीक है, रैम है, बता रहा हूँ आपको, रैम। ठीक है, मैंने एक अरे लिया सिक्स एलिमेंट का, तो रैम में क्या है, सिक्स ब्लॉक जाके बन जाएंगे, पूरे को मैंने लिया सिक्स। ठीक है, तो उनका ना जो मेन मेमोरी, फिजिकल मेमोरी है रैम,
तो उसमें ना इनका कुछ एड्रेस होगा, ठीक है। तो ये एड्रेस सपोज इस वाले सेल का है 3020, ठीक है, फिर इसका 3022, ठीक है, और ऐसे ऐसे करके इसका एड्रेस बढ़ जाएगा 3। ये क्या है, मेन मेमोरी सेल का एड्रेस रहता है, और इस जो सेल का नाम रहता है मीन्स वेरिएबल का नाम, ये कैसे होता है, ये देखो फर्स्ट सेल है तो इसका होगा X0, नेक्स्ट सेल का होगा X1, ठीक है, फिर अगेन थर्ड का होगा X2, फिर फोर्थ का होगा X3 होगा, ठीक है, फिर फिफ्थ का हो ये, ठीक है, फोर्थ होगा आपका जो फिफ्थ होगा उसका होगा X4, ठीक है, और अगेन आगे होगा X5 होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट वेरिएबल को यूज ना करके हम एक ही वेरिएबल ले लेते हैं, एक्स या कुछ भी आपके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ABCD या नेमिंग कन्वेंशन आपको बताया है, ठीक है, और उसमें ना हम ये नेमिंग ये सबस्क्रिप्ट वैल्यू को चेंज करते जाते हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू जहां तक आप लेना चाहें, ठीक है, और आगे मैं इसका डिक्लेरेशन का तरीका बताऊंगा आगे आपको क्या होता है, ठीक है। और इसमें एक चीज नोट करने वाली है, जो इसमें इंडेक्स वैल्यू जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो इंडेक्स है ना वैसे 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, फ्रॉम 0, ठीक है। ये तो हमने देखा, अरे होता क्या है, अब इसको हम प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं आगे बता रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इसके एरे को डिक्लेयर करने के लिए कुछ प्रोसेस है, ठीक है, सबसे पहले हमको क्या है, एरे को डिक्लेयर करना पड़ता है, फर्स्ट डिक्लेयर एन एरे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखो यहाँ पर दिया सिंटैक्स और हमारे एग्जाम्पल लिया, ठीक है, तो डिक्लेरेशन के यहाँ पर क्या है, 3 सिंटैक्स है और तीनों की वर्किंग सेम है, यहाँ पर 3 सिंटैक्स दी है, तीनों की वर्किंग सेम है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ, आपको नोट्स देख के कुछ रिमाइंड हो रहा है कि इसके पहले हम डेटा टाइप डिस्कस कर चुके हैं, हेलो सर, डिस्कस कर चुके हैं, हाँ एक ठीक है। तो हमने देखो एक चीज और बता दे रहा हूं यहां पर मैं, ठीक है, हमने देखा था डेटा टाइप में दो डेटा टाइप देखे थे, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। तो प्रिमिटिव में हमने देखे थे इसमें कैरेक्टर वाइड शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट, और ये सारे के सारे कैसे थे प्रिमिटिव, मींस ये क्या सिंगल वैल्यू क्या होता है, दे कैन होल्ड या इट कैन होल्ड, मतलब ये दे कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है, मींस हम इंटीजर ले रहे थे इंटीजर ए, ठीक है। तो ये क्या करता था, ये डेटा टाइप था, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप, और ए क्या है, वेरिएबल था, तो ए एट अ टाइम पे क्या सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकता था। बट अब देखो वहां पर मैंने आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप छोड़ दिया था, मैंने बताया था आगे बताऊंगा, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में आपका आएगा देखो अरे, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, थीके? तो जो अरे है, तो देखो जो आपका प्रिमिटिव है ये क्या सिंगल वैल्यू को स्टोर करता है एट अ टाइम, और जो आपका नॉन प्रिमिटिव है इट कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यू, ठीक है। तो अभी हमने जो एरे देखा, तो एरे क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस है कि नहीं है, एट अ टाइम मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, हेलो यस सर, यस सर, अभी उसका प्रोग्राम भी करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये तो हम देख चुके थे, तो डेटा टाइप क्या होता है, ये लॉन्ग इंट शॉर्ट ए डेटा टाइप होते हैं, ठीक है,
अब फिर से स्विच कर रहा है हमारे टॉपिक पर। ठीक है, तो देखो जो पहला तरीका है उसमें क्या है, पहला डेटा टाइप लिखना पड़ता है, मींस क्या है इंट, ठीक है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है, यदि एग्जांपल भी दिया साइड में, ठीक है। फिर हम लेते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, तो यहाँ ले लिए स्क्वायर ब्रेसेस, स्क्वायर ब्रेसेस, और ठीक है, और ARR है, ARR है, एक्चुअली नेम है, ए वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल मींस क्या है, मैंने ये ARR लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, आप खुद का नाम भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि मैं स्मॉल में इंद्रजीत भी लिखूं ना ARR की जगह तो चल जाएगा, ठीक है। और नेमिंग कन्वेंशन मैंने इसके पहले बारे प्रोग्राम मैंने आपको बताया, पहले वाली क्लासेस में बताया कि नहीं बताया नेमिंग कन्वेंशन? यस सर, सब बताया है। ठीक है सर, बताया है। ठीक है, तो ये पहला तरीका था। फिर ये दूसरा तरीका, इसमें क्या करते हैं, लिटिल चेंजेस है। इसमें हमने क्या किया, डेटा टाइप लिखा इंट ये लिखा, और इसमें हमने किया क्या है कि जो स्क्वायर ब्रेसेस है, स्क्वायर ब्रेसेस है, तो इसको हमने क्या ज्वाइंट किया था इंट के साथ, तो यहाँ कर दिया एरे के साथ, मींस नेम के साथ, ठीक है। सेम है, वर्किंग सेम रहेगी, ठीक है, बस तरीका डिफरेंट है, रिजल्ट सेम निकलेगा, ठीक है। फॉर नेक्स्ट एक और तरीका है, ये डेटा टाइप लिया हमने, यहाँ ले लिया इंट, ठीक है, और फिर हमने लिया नेम ARR, देखो ARR यहाँ लिखा है, और स्क्वायर ब्रेसेस ले लिया यहाँ पर, और सेमीकोलन लगा दिए। तीनों तरीके सेम है, ठीक है, तीनों में से आपको जो बेस्ट लगे आप कर सकते हैं, ठीक है, तीनों का रिजल्ट सेम निकलेगा। ओके सर। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हमको एरे को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, तो डिक्लेयर करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट प्रोसेस है, एलोकेट मेमोरी टू एरे कॉल्ड इंस्टेंटिएशन, ठीक है। इंस्टेंटिएशन प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, हमने एरे तो डिक्लेयर कर लिया, बट अभी ये हमको नहीं पता था ये कितने एलिमेंट को स्टोर कर सकता है, ठीक है, खाली अरे को डिक्लेयर किया था अभी, ठीक है, अभी ये नहीं पता था कि कितने एलिमेंट को क्या है स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो इंस्टेंटिएशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्टेंटिएशन या मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो फिर हमने फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहती है उसको एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है कि कितने एलिमेंट स्टोर करेंगे, तो उसको डिक्लेयर करने का वे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं एरे का नाम, ये लिया एरे का नाम, ठीक है, एरे नेम, ठीक है, फिर लगाया इक्वल्स टू ऑपरेटर, ये लगाया, ठीक है। फिर यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू, ठीक है, और ये टाइप, टाइप कौन सा, जो यहाँ पर डेटा टाइप था, ये डेटा टाइप जो यहाँ इंट था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ लिखा इंट, और यहाँ साइज, साइज मीन्स क्या है कि हम कितने एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल में मैंने ले लिया यहाँ पर एग्जाम्पल में, ठीक है, 10 लिया यहाँ पर, ठीक है। और सेम मैंने एरे नेम, एरे को यूज किया, ये एग्जांपल है, ARR इक्वल टू न्यू ए कीवर्ड है, ठीक है, ये टाइप मींस डेटा टाइप है इंट, और ये साइज ले लिया मैंने 10, ठीक है, और इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। ये चीज क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, या तो उसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, स्टोर द एलिमेंट करेंगे, और स्टोर करने के बाद उनको यूज करेंगे या प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया, ठीक है। आगे एक और चीज है कि हम एरे में दोनों प्रोसेस को कंबाइन कर सकते हैं, डिक्लेरेशन को और मेमोरी एलोकेशन को, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को भी कंबाइन कर सकते हैं। मीन्स क्या है कि यदि हमको लॉन्ग वे यूज नहीं करना तो दोनों का कॉम्बिनेशन से ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम यूज कैसे करते हैं, हमने ये तरीका ले लिया इंट, ठीक है, पहला वाला कोई तरीका ले लिया इंट ए, ठीक है, और मैंने क्या किया यहीं पर इक्वल टू लगाया ऑपरेटर, और ये न्यू, ठीक है, डेटा टाइप ले लिया इंट, और ये 5 साइज का, मतलब मैंने क्या ये साइज ले लिया और सेमीकोलन लगा दिया। मीन्स मैंने क्या किया, ये डिक्लेरेशन और ये इंस्टेंटिएशन प्रोसेस को कंबाइन कर दिया, ठीक है। ये भी तरीका, ठीक है, सेम है, ये भी वर्क करता है, चाहे तो आप दो डिफरेंट प्रोसेस कर लें और चाहे ये दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, आपका प्रोग्राम चलेगा। एक मिनट, ठीक है, आपका प्रोग्राम चलेगा।
ठीक है। और फिर यदि हम ये एलिमेंट को स्टोर करना चाहते हैं तो एलिमेंट को स्टोर कैसे करेंगे, सिंपल हमने लिया इंट एक्स, ठीक है, ऐसे लगाए हमने ये ब्रेसेस, और फिर हमने क्या लगाए, देखो ये सीक्वेंस है तो इसके लिए हमको कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है, देखो ऊपर दिया भी है, और इसमें हमने फिर क्या कर दिया, फाइव एलिमेंट को स्टोर कर दिया, कैसे, 12, 4, 5, 2, 5, और इनको कॉमा से सेपरेट कर दी, ये चीज क्लियर है? ये सब क्लियर है। ठीक है, और इसी का मैं आपको आगे प्रोग्राम बना के बता रहा हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक एरे को डिक्लेयर किया, और साथ में मैंने उसमें, अभी देखो अभी इस प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूँ, साथ में मैंने वैल्यूज को भी स्टोर कर दिया, यहीं पर कर दिया, ठीक है, जो मैंने वैल्यूज को स्टोर किया वो मैंने यहीं पर कर दिया, ठीक है, डिक्लेरेशन के साथ यहाँ पर मैंने वैल्यूज को स्टोर कर दिया। और एक और चीज, ठीक है, मैंने आपको बताया था यदि हम क्या है कि कोई भी एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहे तो उसके इंडेक्स नंबर से करते हैं, कि मींस यदि हम क्या करना चाहते हैं, फाइव को एक्सेस करना चाहते हैं, फाइव, 0, 1, 2, 2, वेरी वेरी गुड, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी देखो आपको समझाने के लिए, नंबरिंग कर दे रहा हूँ, इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से 0, 1, 2, 3, 4, सपोज मैं फाइव को बस प्रिंट करना, मैंने सारे एलिमेंट प्रिंट किए इसमें, सपोज मैं फाइव को बस प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे प्रिंट करूंगा उसको एक्सेस करने के लिए, एक्स, ठीक है, और उसकी सब्सक्रिप्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर टू है, ये टू, और अच्छा ओके फाइव के लिए, फाइव के लिए सर, अगर सेम वैल्यू है तो 2 भी लेना है 4 भी लेना है क्या? हाँ सर, 5 तो दो जगह पे है ना, हाँ, मतलब नहीं, ये तो क्या कि बाय डिफॉल्ट लिख दिया वर्क करते समय, हम टू करेंगे तो भी फाइव प्रिंट, फाइव प्रिंट करेगा, और फोर करेंगे तो भी फाइव प्रिंट करेगा, अच्छा ओके ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हो गया, ओके सर, ठीक है। और यदि यहाँ सपोज 10 भी होता, अभी करके दिखा देंगे आपको, तो डिफरेंट वैल्यू प्रिंट होती, ठीक है, तो सपोज हम यदि करते एक्स 4, ठीक है, और तो यहाँ पर print. ये पूरी मेथड लगा देता है, सिस्टम डॉट आउट, मैं शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यदि मैं प्रोसेस करता सेमी कोला तो ये क्या करता है, 10 प्रिंट कर देता, ठीक है, अब मैं इसको रन करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी, अच्छा एक मिनट, ये वाला, ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, तो उसने एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, ठीक है, और मैं सपोज जो मैंने बताया था यहाँ 10 कर दूं, कुछ भी कर दूं सर, स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी वाली, अच्छा एक मिनट, सर अब विजिबल है, हाँ विजिबल, ठीक है, तो मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, तो एक मिनट, ये इधर क्यों दे रहा है, ठीक है, तो उसने पांचों के पांचों एलिमेंट को प्रिंट कर दिए, यस सर, क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर, ठीक है, अब थोड़ा सा मैं ऐसे मैं एक और लॉजिक बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया कि वन बाय वन एलिमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, बट हम क्या है कि ऐसे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन लिखेंगे तो हमारा मतलब एरे का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, हम तो 100 बार लगाएंगे, समझ गए ना, यदि 100 एलिमेंट है,
ठीक है। तो उसके लिए जो हम पहले क्या है कि कोई भी लूप पढ़ चुके हैं, हम यहाँ फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो यहाँ से 0 से 4 तक की वैल्यू है वो लूप में लगा सकते हैं, ठीक है। जो 0 से 4 मैंने आपको प्रोग्राम सेंड भी किया, दिखा रहा हूँ आपको एक बार, यस सर, यस सर, या यहाँ पर भी होगा नोट्स में, एक मिनट दिखा रहा हूँ। अब सेम प्रोग्राम में मैं लेकिन लिटिल चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, देखना। कंट्रोल बी कर दिया, ठीक है। आपका देखो एरे डिक्लेरेशन का स्टोरिंग का प्रोसेस सेम है, ठीक है, बस प्रिंटिंग का जो लॉजिक है, दिखा रहा हूँ एक मिनट, जो प्रिंटिंग का लॉजिक है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें मैंने क्या कर दिया कि लूप लगा दिया, 0 से लेके कहाँ तक लगा दिया, 4 तक, ठीक है। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में मैंने एक्स लिख दिया, और जो एक्स की सब्सक्रिप्ट वैल्यू है मैंने यहाँ पर आई लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या वेरी करेगी, यहाँ 0 से लेके 4 तक, ये लूप में। तो ये क्या करेगा, हमारे 5 एलिमेंट को प्रिंट कर देगा, इसको रन करके दिखा रहा हूँ, सेम रिजल्ट आएगा। एक मिनट, इसमें कुछ थोड़ा सा एरर दे रहा है, मैं चेक कर लूँ, लेट मी चेक। सर आई इक्वल्स टू 0 के बाद फिर आई लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, सिर्फ लेस देन, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको सेम रिजल्ट दे देगा, ठीक है सर। यहाँ मैं 10 भी कर दूं, चलो पहले प्रोग्राम में 10 था, तो सेम रिजल्ट दे देगा। ये चीज क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब इसमें हम एक और लिटिल चेंजेस कर सकते हैं। अभी तो हमने क्या है कि ये खुद से हमने वैल्यूज को लिया है, हेलो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एससीआई वाला स्कैनर क्लास थी, स्कैनर क्लास याद है आपको? यस सर, ठीक है। यस सर, यूजर से। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो स्कैनर क्लास है इसका मैंने प्रोग्राम भी आपको सेंड किया, दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैंने आपको सेंड किया था। ये वाला ठीक है, स्क्रीन को क्लियर कर दूं पहले, ठीक है। अब मैं इसको समझा दे रहा हूं, इसमें क्या है, इसमें पूरा लॉजिक सेम है, देखो प्रिंटिंग का लॉजिक सेम है, ठीक है, ये प्रिंटिंग का, ठीक है, ये यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। और स्टोरिंग करने के लिए ना हम यूजर से लेंगे, ठीक है, यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो, और सबसे पहले क्या है, यदि हम यूजर से इनपुट लेते हैं तो हमको स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, जो मैंने आपको स्कैनर क्लास का एक वीडियो अलग से बना के बताया था, ठीक है। हेलो, हाँ, यस सर। तो स्कैनर क्लास, इसका मैंने ऑब्जेक्ट लिया एससीआई, वेरिएबल है, न्यू एक कीवर्ड है, ऑपरेटर है, ठीक है, न्यू कीवर्ड ऑपरेटर, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ लिया स्कैनर सिस्टम इन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जो वहां पर मैंने सिंगल वैल्यू को स्टोर किया था, प्रिंट किया था, ठीक है। अब उसी लॉजिक को यूज कर रहा हूं मैं, वहां पर मैंने लिया था ए समथिंग, ऐसा कुछ लिया था, जो भी वेरिएबल लिया हूं, ठीक है। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, मेरी लूप की वैल्यू को चला रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं 5 टाइम्स वैल्यू को स्टोर करूंगा। तो लूप मैंने अगेन चलाई 0 से लेके 4 तक, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ लिया स्टोरिंग के लिए एक्स आई। अब जो आई की वैल्यू जो है वो ना अपनी 0 से 4 क्या है चलेगी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो लॉजिक वहां पर यूज किया था एस सी आई डॉट नेक्स्ट
और int ले लिया यहाँ पर, ठीक है, डॉट नेक्स्ट int लिया, तो ये क्या करेगी, ये फाइव टाइम्स क्या है स्कैनर हमारा रिपीट होगा, ठीक है, तो फाइव टाइम्स हमारा स्कैनर रिपीट होगा और फाइव टाइम ये फॉर लूप के अंदर चलेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, सिंगल वैल्यू वहां पर ली थी, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, बस ये आई की वैल्यू क्या है कि फाइव टाइम्स चलेगी, तो यहाँ फाइव अलग 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 लोकेशन पर जाके हमारी जो इंटीजर वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी, इसको रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको रन किया, ठीक है, तो देखो मैं बता दे रहा हूँ इसने क्या, एंटर द नंबर, देखो एक तो मैंने मैसेज खुद प्रिंट कराया, ये एंटर द नंबर बार बार करा रहा हूँ, ठीक है, लूप के अंदर, यस सर, ठीक है, और ये मैंने क्या किया है कि प्रिंट कर दिया कि ये कंसेप्ट है स्टोरिंग एरे एलिमेंट का, ठीक है, कैसे स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो अब क्या है कि इसने मांगा कि एंटर द नंबर, तो मैं सिंपली कर दे रहा हूँ 1 2 4 5 ऐसे कर दे रहा हूँ, बाद में आप जो बताएंगे वो कर देंगे, ठीक है, तो मैंने किया 1 इंटर, ठीक है, इसने अगेन दे दिया इंटर द नंबर, फिर मैं क्या करूंगा 2, एक मिनट ले नहीं रहे, 2 इंटर, ठीक है, फिर इसने बोला इंटर द नंबर, मैंने किया 3 इंटर, फिर इसने फिर बोला तो मैंने कर दिया 4 इंटर, ठीक है, इसने बोला फिर 5 देन अगेन इंटर, ठीक है, एक बात कहीं सिक्वेंस हो गया, एक मिनट कहीं प्रॉब्लम आई, फिर से कर देना, चलो 6 इंटर, ठीक है, तो ये रन करने में प्रॉब्लम वहीं से आई है, मैं इसको फिर से रन कर दे रहा हूँ, ठीक है, प्रोग्राम में कोई लॉजिक में गड़बड़ नहीं, अब मैंने किया 1 इंटर, 2 इंटर, 3 इंटर, 4 इंटर, ठीक है, 5 देन एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो इसने 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कर दिया, क्लियर है, यस सर, क्लियर है, ठीक है, अब देखो, अब एक और लॉजिक जो हमने पहले अप्लाई किया था कि पहले हम क्या करते थे लूप में ना किसी वैल्यू को क्या है स्टोर कर सकते थे, कर सकते थे और सम कर सकते थे, 1+2+3+4+5 रन किया था, यस सर, ठीक है, अब वो ही सेम लॉजिक अपना कर, ठीक है, हम यहाँ पर ना एरे के एलिमेंट को का भी सम कर सकते हैं, ओके सर, ठीक है, उसका मैं आपको प्रोग्राम बना के बता दे रहा हूँ, ये क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़े, मैंने इसका भी प्रोग्राम को सेंड किया, ठीक है, सेम प्रोग्राम को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, अब देखो इसमें चेंजेस क्या आए हैं, ठीक है, पूरा प्रोग्राम सेम है, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि वही कॉन्सेप्ट से वैल्यू को एंटर किया, ठीक है, इसमें केवल सम किया है, हाँ, बस एक जो वहां पर जैसे वहां पर किया था यहाँ ले लिया इंटीजर सम और सम इक्वल टू सम प्लस वहां पर आई करते थे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया एक्स आई कर दिया, मतलब एरे के जो वैल्यू उनका सम हो जाएगा, सम को ही प्रिंट कर दिया, हाँ, फिर क्या करेंगे सम को नाम ने प्रिंट कर दिया, 1 10 15, ठीक है, तो इसमें मैं अभी 1 by 1 1 से 5 तक कर रहा हूँ, 1 enter 2 enter 3 enter 4 enter 5 enter, ठीक है, तो इसने दे दिया 15 दे दिया, यस सर, ठीक है, हो सकता है इसमें क्या है कि वो इधर उधर हो गया, फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, 15 आएगा मगर इनका एडिशन, 1 enter 2 enter 3 enter
फोर इंटर फाइव इंटर, ठीक है, तो ये 15 दे दिया समझ निकाल के यहाँ पर प्लस में। ओके सर, ठीक है, दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अभी जितना एरे बताया उतना समझ में आया, सब क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके मैंने नोट्स आपको सेंड कर दिए हैं, प्रोग्राम भी आपको सेंड कर दिए, ठीक है। अब क्या करना, आप खुद से रन करना, ठीक है। हेलो, ओके सर, ठीक है, हाँ सर, यस सर, और जो भी डाउट आया पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके सर, अभी हम सर जैसे यहाँ पे पहले अपन को नंबर एंटर करना था, यूजर से लेना था, तो उसके लिए भी एक लूप लगा फॉर वाला, हाँ, फिर उसके बाद जब हमें सम करना है तो उसके लिए फिर हमने एक लूप, मतलब आप हाँ, इसको इसी चीज को कर, कई बार अगर आपकी कंडीशन चेंज होती जा रही तो लगा सकते हैं। फिर से बोलिए सर जैसे कि पहले हमें वैल्यू एंटर करवानी थी यूजर हाँ, से इनपुट लेने के लिए, हाँ, तो फॉर लूप लगाया एक बार, हाँ, लूप फिर उसके लगाया, बाद फिर सम करना था तो फिर से फॉर लूप का यूज किया एक और बार, हाँ, क्योंकि क्या है कि सम हमको करना है, तो हमको क्या है आई की वैल्यू को इटरेट करना है ना, फिर से रिपीट करना है, तो इसलिए ठीक फिर से है लूप सर, लगाया। जहां जहां क्या है कि हाँ, तो मतलब जहां जहां रिपीटेशन आएगा वहां रिपीटेशन लूप है लूप लूप आएगा, यूज कर सकते हैं, हाँ ठीक है हाँ सर, ओके ठीक है। और वन बाय वन प्रिंट भी किया करना है ना, तब भी क्या है हमको लूप यूज करना पड़ेगा। लूप यूज करना पड़ेगा, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है, अभी क्लास को एंड करते हैं और कल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग को, ठीक है। जैसे एरे होता है ये, ओके ठीक है, स्ट्रिंग होता है एक कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है, ठीक है। हाँ, ओके सर, तो कल उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर, सर हाँ सर कुछ प्रैक्टिस के लिए मतलब क्वेश्चन आप शेयर किया करिए, तो मतलब ठीक है, हम हाँ कर सर, देंगे, क्योंकि क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिस सिंपली वो दिमाग हम लोग नहीं को ये चलता समझ में नहीं आता कि मतलब क्या अभी कौन करें से फिर। प्रोग्राम हम रन करें एक मिनट, सर, वैसे हमको जावा सीखने से पहले हमको बेसिक क्या स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहले?